स्पोर्ट्स की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड टीम के बीच आज पहला T20 मैच खेला गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इस पूरे मैच की हाईलाइट्स, किस खिलाड़ी ने कैसा प्रदर्शन दिखाया, उसके बारे में बात करूँगा। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, बात करें इस मैच की, तो इस मैच में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर गेंद बल्लेबाजी चुनी। दोस्तों, पहले बात करते हैं हम दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की किस प्रकार की रही। पहले बात करें टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की, उनकी तरफ से नंबर एक पर बल्लेबाजी करना है रोहित शर्मा, दो पर ईशान किशन, तीन पर दीप खुट्टा, चार पर सूर्य कुमार यादव, पाँच पर हार्दिक पांड्या, छः पर दिनेश कार्तिक, सात पर अक्षर पटेल, आठ पर हर्ष पटेल, नौ पर भुवनेश्वर कुमार, दस पर हर्षदीप सिंह और ग्यारह पर जसविंदर चहल। दोस्तों, इस प्रकार की रही बात टीम की प्लेइंग 11। दोस्तों, बात करें इंग्लैंड की टीम की प्लेइंग 11 की, तो इस प्रकार की रही, नंबर एक पर जेसन रॉय, नंबर दो पर जोस बटलर, तीन पर डेविड मलान, चार पर लिविंगस्टोन, पाँच पर ब्रोक, छः पर मोइन अली, सात पर सैम कर्न, आठ पर क्रिस जोनी, नौ पर टाइविस मिल्स, दस पर रोपली और ग्यारह पर मैथ्यू। दोस्तों, इस प्रकार की रही इंग्लैंड की प्लेइंग 11। दोस्तों, बात करें इस मैच की, तो इस मैच में बात टीम ने 20 ओवरों में 8 रन नुकसान पर 198 रन बनाए। दोस्तों, स्कोर कार्ड की तरफ नजर डालें तो भारत की ओर से रोहित शर्मा ने बनाए 24 रन, ईशान किशन ने 8, दीप हुड्डा ने 33, सूर्य कुमार यादव ने 39, हार्दिक पांड्या ने 51, अक्षर पटेल ने 17, कार्तिक ने 11, हर्ष पटेल ने 3, भुवनेश्वर ने 1, वहीं आशीष सिंह ने 2 रन बनाए। वहीं दोस्तों गेंदबाजों की बात करें तो टोपली ने 1, मोइन अली को 2, मिल्स को 1, मैथ्यू को 1, वहीं क्रिस जॉर्डन को भी 2 विकेट मिले। दोस्तों, भारत के 198 रन के जवाब में इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही। एक पर उनका पहला विकेट गिर गया, 27 पर दूसरा, 29 पर तीसरा और 33 पर चौथा। रोए 4 रन, जोस बटलर 0 रन, मलान 21 रन, लिविंगस्टोन 0 रन बनाकर आउट। दोस्तों, इसके बाद ब्रूक और मोइन अली ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो भी ज़्यादा समय टिक नहीं पाए। तो अंत में भारत टीम ने इस मैच को जीत लिया और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैच की हाइलाइट्स और कुछ मज़ेदार पल देखते हैं। धन्यवाद।